नमस्कार दोस्तों, पाइप फिटर जंक्शन में एक बार फिर से सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ ड्राइंग का वीडियो, और इस ड्राइंग में मैं आपको बताऊंगा कट लेंथ हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे मैं ड्राइंग आपको दे दिया गया और 12 मीटर 24 मीटर जो भी पाइप हो पाइप आपको दे दिया गया, उसमें आपका साइट सुपरवाइजर बोल देगा कट लेंथ निकाल कर इसका कटिंग करा कर और फैब्रिकेशन कीजिए। तो आप इसमें कैसे कट लेंथ निकालिएगा आज मैं इस वीडियो में इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि हमारा लाइन कितना इंच का है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 इंच का, ठीक है, यहाँ पे 3 इंच का लिखा हुआ है यहाँ पर। और दूसरा ये आपको ध्यान देना है कि एक पीस में जैसे यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा लेंथ कितना है 3886 यानी 3 मीटर 886 mm, राइट। तो हम कैसे इसमें निकालेंगे कट लेंथ इसका कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना है इसमें हमारा कितना एल्बो लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट हो गया है, यहाँ से लेंथ ऐसे खींच कर और यहाँ एल्बो के सेंटर तक दिया गया है यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो इसमें आपका एक ही एल्बो सेंटर माइनस हो गया क्योंकि ये साइड में एक तरफ फ्री है, ठीक। तो जैसे 3 इंच का एल्बो सेंटर हम कैसे जानेंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर ले लीजिए और 3 × 38.1 से जब हम गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 114.3 यानी 114 mm, ठीक है। तो 114 mm हम माइनस करेंगे कितना में, 3886 में। तो 3886 माइनस 114, तो 3886 माइनस 114 mm बराबर कितना आया, 3 मीटर 772 mm, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो 3 मीटर 772, ठीक। ये हो गया एक एल्बो सेंटर, इसमें माइनस करने के बाद ये निकल गया आपका। जैसे मैं यहाँ देखिए 1160 mm है ये यहाँ से यहाँ तक, यानी ये एल्बो सेंटर से ये एल्बो सेंटर तक, तो इसमें हम 2 एल्बो सेंटर माइनस करेंगे। जैसे मैं 1160 माइनस 2 एल्बो सेंटर हो जाएगा 228 932 mm। तो यहाँ पे आपका लेंथ लग जाएगा 932 mm, ठीक है। सेम उसी तरह है यहाँ 700 है, तो इस देखिए यहाँ से और यहाँ तक यानी दोनों एल्बो सेंटर से पकड़ कर दिया है, तो हम इसमें 2 एल्बो सेंटर माइनस करेंगे। ज़्यादातर के ये वीडियो उन भाइयों के लिए काम आएगा ज़्यादा जो फैब्रिकेशन नहीं किए हैं, सिर्फ उनको आरेक्शन के बारे में ही नॉलेज है, उन भाइयों के लिए जो अभी फिटर का काम सीख रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे देख लीजिए जैसे यहाँ पे एक एल्बो सेंटर हो गया और यहाँ पे एक टी लगा हुआ है, तो हम इसमें कैसे क्या क्या माइनस करेंगे, एक एल्बो सेंटर माइनस करेंगे 114 mm और दूसरा हाफ टी सेंटर माइनस करेंगे। यहाँ पे टी सेंटर नहीं दिखाया गया है, जो भी टी है आपके पास 3 इंच का या जो जितना इंच का कर रहे हैं उतने इंच का टी आपके पास है, तो सीधा हम टेप लगाकर इस साइड से उस साइड तक नापेंगे और हाफ करके हाफ टी इसमें माइनस हो जाएगा और एक एल्बो सेंटर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और सेम उसी तरह यहाँ भी है 323 mm है, तो इसमें हाफ टी माइनस हो जाएगा और जो फ्लांच है आपके पास उस फ्लांच को नापिए टेप से अंदर से और जितना है उतना माइनस कर दीजिए, नहीं तो शेड्यूल चार्ट है तो उसमें से आप देख कर माइनस कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि हमारा कितना ग्रीटिंग का फ्लांच है, 300 ग्रीटिंग का और माइनस कर दिए 150 ग्रीटिंग का, तो वहाँ पे क्या है लेंथ थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, तो आपका लेंथ पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। लग रहा है 300 और आप 150 ग्रीटिंग का देख कर नाप कर माइनस कर दीजिएगा तो आपका इधर उधर हो सकता है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। सेम उसी तरह यहाँ है एक एल्बो सेंटर और एक फ्लांच माइनस करना है आपको, देख लीजिए यहाँ पे एक एल्बो सेंटर और एक फ्लांच माइनस करना है और यहाँ पे यहाँ से यहाँ हाफ टी
और हाफ एल्बो सेंटर माइनस करना है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ड्राइंग में कट लेंथ कैसे निकालें और ये कितना आसान है इसको निकालना, अभी आपको मालूम चल गया होगा। तो कभी भी फैब्रिकेशन करने के लिए आपको ड्राइंग मिलता है तो आप घबराइए नहीं, सबसे पहले जितना इंच का लाइन है उतना इंच का एल्बो सेंटर आपको याद होना चाहिए। सिर्फ ध्यान देना है कि हमारा ये लेंथ एक एल्बो सेंटर से दूसरे एल्बो सेंटर तक दिया है या एक एल्बो सेंटर से दूसरे ज्वाइंट तक दिया है, बस इस पर आपको ध्यान देना है। और अगर ज्वाइंट तक दिया रहेगा तो एक ही एल्बो सेंटर माइनस होगा, और दोनों सेंटर से दिया है तो दो एल्बो सेंटर माइनस होगा, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।